डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को चैप्टर वन के सारे वीडियोस मिल गए होंगे और फाइनली आपको आंसर शीट भी मिल चुकी होगी, यानी नोट्स आप तक है। अब आप कॉपीज़ बनाइए और सारे क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में अच्छी तरह से राइट कर लीजिए और उसको लर्न करना शुरू कर दीजिए। ओके, एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस, फ्रेंड एंड फो। To understand this chapter, first you all have to understand or you all have to learn these keywords. ये keywords आप अच्छी तरह से अगर learn कर लेंगे तो ये chapter समझने में बहुत ही आसानी होगी आप लोगों को। Okay? Then first keyword is microbes, very small living organism which can only be seen through a microscope. यानी ऐसे small living organism, जीव जो नेकेड आईज से हम नहीं देख सकते हैं, सिर्फ एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखी जा सकती है, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोब्स। सिस्ट, हार्ड आउटर कवरिंग ऑन द बॉडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मिनटू से दैट सूक्ष्म जीव, जब इनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग बन जाती है जो, उसको बोलते हैं सिस्ट। ओके, वैक्सीन, अ स्मॉल डोज ऑफ वीकेंड और किल्ड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब टू इम्यूनाइज द बॉडी अगेंस्ट द पर्टिकुलर डिजीज। वी आर रीडिंग अबाउट वैक्सीन, यानी जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब हैं उनकी एक छोटी सी डोज जो बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो, ओके, हमारी बॉडी में दी जाती है, बॉडी को उस पर्टिकुलर डिजीज से रक्षा करने के लिए, उसी को बोलते हैं वैक्सीन। पैथोजेंस, द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बोलते हैं पैथोजेंस। कैरियर्स क्या हैं, इंसेक्ट एनिमल्स विच कैरी द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी ऐसे इंसेक्ट या एनिमल जो डिजीज़ फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसफ़र करते हैं, पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं कैरियर्स। पैस्चराइजेशन, हीटिंग कूलिंग ट्रीटमेंट गिवन टू मिल्क टू स्टरलाइज इट। यानी मिल्क को खूब गर्म करके फिर उसको ठंडा करते हैं जिससे दूध हमारा स्टरलाइज हो जाता है, यानी जीवाणु मुक्त हो जाता है, इसको बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं पैस्चराइजेशन। देन नाइट्रोजन फिक्सेशन, द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड्स इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी यू नो दैट देयर इज नाइट्रोजन इन अवर एटमॉस्फेयर, दैट इज 70%, उसको यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने का जो पूरा प्रोसेस है, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर विथ अ न्यू टॉपिक, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एज पर द नेम ऑफ द चैप्टर इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एंड वायरसेस, फ्रेंड एंड फो। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस जो हैं, ये हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे दुश्मन हैं, ये इस चैप्टर के जरिए हम जानेंगे। तो लेट्स टेक दिस टॉपिक, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आईज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जिनको हम अपनी नेकेड आईज से नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी दीज ऑर्गेनिज्म बाय विद नेकेड आईज, एंड इफ वी वॉन्ट टू सी दीज ऑर्गेनिज्म we have to use microorganism. Such type of living organism are called microbes or microorganism. Some of these can however be seen with the help of magnifying glass or microscope. You have seen magnifying glass or hand glass, आपने देखा होगा, छोटी सी glass होती है circle और उसमें एक handle लगा होता है, उसको बोलते हैं magnifying glass. इसकी भी मदद से आप कुछ एक microorganism को देख सकते हैं। Some general characteristic of microorganism are
A microorganism may occur as single cell or a collection of cells. ये microorganism या तो single cell structure होता है या collection of cells यानी कई सारी cells से मिलकर बना हुआ होता है. Microorganism are very small in size. जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा, micro means very small, यानी ये बहुत ही small होते हैं size में. This cannot be seen with naked eyes. These can be seen with microscope. That is why these are called microorganisms. You know very well, these microbes that we cannot able to see it with naked eyes, and if we want to see it, we have to use microscope. So these are called microorganisms. Here is the structure of microscope. Anton von Leeuwenhoek of Holland was the first scientist to observe microscopic plants and other organism including bacteria with the help of a microscope. ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से पहली बार इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था. इनका नाम है एंटोन वॉन लीवेनहॉक. लेट्स डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर इन द एयर, इन वाटर, इन सॉयल, डेजर्ट, मार्शी लैंड एंड ऑल्सो इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट मीन टू से दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एवरीवेयर इन अवर सराउंडिंग. हमारे आसपास हर जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. इवन इनसाइड अवर बॉडीज, हमारे बॉडीज के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इन एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ड्राइनेस बाय फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर कवरिंग. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव करते हैं बिकॉज देयर इज अ सिस्ट. हार्ड आउटर कवरिंग होती है जिसको सिस्ट बोलते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चारों ओर, इसलिए ये सीवियर कंडीशंस में भी सर्वाइव करते हैं. एंड व्हेन द कंडीशन बिकम फेवरेबल दे कम आउट ऑफ देयर शेल्स, मल्टीप्लाई एंड गो थ्रू देयर लाइफ साइकिल्स. और जैसे इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं ये उन शेल्स से जो आउटर कवरिंग है उससे बाहर आते हैं और अपनी लाइफ साइकिल शुरू करते हैं और उस पर्टिकुलर प्लेस को, उस पर्टिकुलर एरिया को या उस पर्टिकुलर थिंग को ये इन्फेक्ट कर देते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल टू अस, वेयर इज मैनी ऑफ देम आर हार्मफुल बिकॉज दे कॉज मैनी डिजीजेस. देर आर सो मैनी बैक्टीरियाज, देर आर सो मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स that are helpful to us, जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, but some of them are harmful to us. But कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं. There are four major groups of microorganism. Microorganism is divided into four major groups. That is bacteria, fungi, algae and protozoa. The four groups of microorganism are bacteria, fungi, algae and protozoa. There is a fact that I would like to tell you that bacteria reproduces every 9.5 minute, E. coli reproduces every 20 minute. Yani koi bhi bacteria 9.5 मिनट्स में एक नए बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस करता है यानी जन्म दे देता है. और ई कोलाई, दिस इज़ अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया अगेन, ये 20 मिनट्स में, हर 20 मिनट्स में एक नए बैक्टीरियाज को ये रिप्रोड्यूस कर देता है. तो यू कैन सी दैट कितने ज़्यादा हार्मफुल या कितने ज़्यादा बेनिफिशियल ये हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. With this, we are going to close this topic today and we will meet tomorrow with the rest part of the chapter. Okay, students?